हल्डी थाना क्षेत्र में बार मालक से मारपीट कर खंडनी की मांग करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। पहले तो बदमाशों ने बार में बैठकर जमकर शराब डकारी, फिर जब बिल देने की बारी आई तो जोरदार हंगामा मचाया। इस बीच बार के मैनेजर के सिर पर बोतल भी फोड़ डाली गई। एक ग्राहक के साथ भी मारपीट की गई। टेबल कुर्सी सब फेंक कर हंगामा मचाया गया। जी हां, ये घटना धर्मपेट के चैरियट बार एंड रेस्टोरेंट में गुरुवार की मध्यरात्रि घटी। आरोपियों में दर्शन यादव, सोनू गोदड़े, आनंद गोदड़े, तीनों निवासी वाल्मीकि नगर और नरेश मसरा दवलामीठी वाड़ी का समावेश है। चारों हमेशा के ग्राहक हैं और अब तक बिल चुकाकर ही निकलते थे। गुरुवार की रात को चारों ने जमकर शराब पी। 1400 रुपए का बिल हुआ। वेटर ने बिल ला कर दिया तो चारों बाहर निकलने लगे। मैनेजर राजा मिश्रा ने बिल देने को कहा। इसी बात पर आरोपी भड़क उठे। पहले तो विवाद किया, बिल मांगने की हिम्मत कैसे हुई, ये कहकर हंगामा मचाया। बाद में बार में एक ग्राहक आदर्श मिश्रा ने अपना मोबाइल चार्जिंग को लगाया था। आरोपियों ने उसे भी पटक दिया, साथ ही आदर्श के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं तो आरोपी सोनू ने मैनेजर राजा के सिर पर खाली बोतल दे मार कर उसे जख्मी कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हफ्ता वसूली का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी और उनके कोई साथी दारू पीने के लिए आए थे। दारू पी के होने के बाद में जब भी उनको बिल देना था तो उन्होंने बिल देने के लिए नकार दे दिया। तो मैनेजर ने बिल पे करने के लिए बोला तो दारू के नशे में उन्होंने मैनेजर के साथ में मारापीटी चालू की। एक ने उसके कांच का बॉटल फेंक के मारा और दूसरे ने एक कांच का ग्लास फेंक के मारा। उसमें जो मैनेजर है उसको एक जख्म हो गई और फिर बाद में उन्होंने बिल पे करने के लिए नकार भी दिया और बाद में खंडनी की भी मांग की, हर महीना हमको इतना पैसा देना पड़ेगा। और फिर बाद में वहाँ से वो निकल गए। फिरियादी की कंप्लेंट लेके फिर बाद में हमने गुनाह दाखिल किया है और ये गुने में चार आरोपी हमने अटक किए। उनका कस्टडी कल तक मिला है। बाकी का इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद में उनके कोई साथीदार है तो उसके बारे में ही मालूमात ले रहे हैं। एनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।